नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्रिय मित्र अश्विनी भाटिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप फ्री में डोमेन और होस्टिंग कैसे लेकर एक वेबसाइट सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आपको फ्री डोमेन कहां से मिलेगा। तो अगर मैं कोई फ्री डोमेन लेना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं जाऊंगा freenom.com पर। तो ये जो एक वेबसाइट है जो आपको एक फ्री में डोमेन प्रोवाइड करेगी, और ये जो डोमेन होगा इसका एक्सटेंशन कुछ ml करके होगा, किसी में gA करके आता है, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे कि फ्री में डोमेन कैसे लेते हैं और उसको कैसे होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं। तो डोमेन पे बात, डोमेन लेने के लिए आपको freenom.com पे जा सकते हो आप। अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो आप infinityfree.net पे जा सकते हो। पहले हम दोस्तों बात कर रहे थे कैसे डोमेन लेते हैं और कैसे उसको होस्टिंग लेते हैं और कैसे उन दोनों को सेटअप करते हैं, फिर हम वर्डप्रेस के द्वारा वेबसाइट बनाना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपको डोमेन लेना है तो डोमेन लेने के लिए आप जो भी नाम सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा जेसिका भाटिया, ये मेरी डॉटर का नाम है, और मैंने इसका नाम सर्च किया। सर्च करने के बाद ये मुझे थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च करने में और रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट देने के बाद ये मुझे बता देगा कि किस किस नाम के डोमेन्स अवेलेबल हैं, किस किस नाम के डोमेन्स अवेलेबल नहीं है। तो आप देखेंगे जेसिका भाटिया .ml नाम का एक डोमेन है जो कि अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसको मैं पहले से ही बुक कर चुका हूं, जिसके द्वारा आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं। तो अगर आप कोई और डोमेन लेना चाहते हो, कभी कभार क्या होता है कि ये जब आप गेट इट नाउ पे क्लिक करते हो तो ये प्रॉपर चेक करता है कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं होता है तो नॉट अवेलेबल दिखाता है। दोस्तों, इस वेबसाइट में छोटी सी एक कमी है जो मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि कभी कभार आप कोई डोमेन सर्च करते हैं और गेट नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो डोमेन भले ही किसी ने नहीं ले रखा हो फिर भी वो दिखाता नॉट अवेलेबल। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ देर बाद ट्राई करें, वो वापस डोमेन आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि आप अगर कोई डोमेन सर्च करते हैं, कुछ ऐसे डोमेन होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं फिर भी ये दिखाता है नॉट अवेलेबल, बिकॉज इनका कुछ सर्वर का इंटरनल इशू हो सकता है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत बार। तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें तो आपको डोमेन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आपको कैसे डोमेन खरीदना है। डोमेन खरीदने के बाद आप जैसे ही गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपसे कहेगा यार आप एक अकाउंट बनाएं, और अकाउंट बनाने के बाद आप साइन अप करें। साइन अप में आपको नाम डालना होगा, ईमेल आईडी डालनी होगी, फोन नंबर डालना होगा, और फिर आपके पास एक वेरिफिकेशन मेल आएगा, उसको आप वेरीफाई कर देना, फिर आप इस पे जाके साइन इन कर देना। साइन इन करने के बाद का आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे कभी कभार इनका खुद का सर्वर डाउन होता है, तो दोस्तों ये एक इनकी कमी है इनके सर्वर में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक डोमेन कभी कभार नहीं निकल पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एंड सर्वर। दोस्तों, आप देखेंगे कि मैंने डोमेन को पहले से ही मैं बुक कर चुका हूँ एक्चुअली इनके द्वारा, ठीक है, और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको गूगल से भी लॉग इन कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, मेरी ये ईमेल आईडी है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ, और ये थोड़ा सा वेट करने को कहेगा मुझे। और देखेंगे आ गया मेरा नाम अश्विनी। तो दोस्तों, ये मेरा डोमेन था जो मैंने बुक किया था। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। माय डोमेन्स में आप जाएंगे तो आपको जो भी डोमेन बनाया था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखेंगे आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जेसिका भाटिया .ml नाम का डोमेन है जो कि मैंने इसमें बुक किया था। अब ये डोमेन एक्टिव है और मैंने कब बुक किया था ये भी इसमें दे रखा है, और ये कब तक है मेरे पास ये भी इसने मुझे दे रखा है, कब रजिस्ट्रेशन किया था, कब एक्सपायरी है। आप देखेंगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने इसके लिए किसी को कुछ पे नहीं किया है। अब अगर आपको इस डोमेन को होस्टिंग से अटैच करना है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे मैनेज डोमेन का ऑप्शन है। मैनेज डोमेन में जाके आपको यहाँ पर नेम सर्वर्स में जाना है।
नेम सर्वर्स में जाके आपको जो नेम सर्वर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर देगा वो आपको यहाँ पर डालने होते हैं। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी आपको नेम सर्वर प्रोवाइड करेगा आपका होस्टिंग प्रोवाइडर, वो आपको यहाँ पर जाके डालना होगा। तो दोस्तों होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग कैसे लेते हैं, कैसे उसमें सेटअप करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने अगर डोमिनो होस्टिंग दिखाना ही था तो मैं इसको पहले क्यों बुक करके रखा। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि अगर मैं कोई डोमिनो होस्टिंग बुक करता हूँ तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है दोनों को कनेक्ट करने में, इसलिए मैंने पहले से ही बुक करके रख लिया था जिससे कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं इनका कनेक्शन कैसे होना है। बिकॉज साइन अप करना और चेकआउट करना इज वेरी सिंपल, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं कैसे करना है। अब आप देखेंगे ये इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट वेबसाइट है जहां पर आप जाके देखेंगे कि मेरे पास फ्री में मुझे अनलिमिटेड होस्टिंग मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होस्टिंग मिलती है उसमें हम 3 अकाउंट अटैच कर सकते हैं। अब वो 3 अकाउंट कैसे हो सकते हैं, आप या तो सब डोमेन लीजिए या आप अपने जो कस्टम डोमेन है उसमें यूज कर सकते हैं। सब डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी का नाम है जेसिका भाटिया डॉट, ये दे देगा इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट या एपीजी डॉट नेट, इस टाइप के डोमेन्स दे देगा, मतलब सब डोमेन दे देगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को साइन अप करना है, मुझे इसके साथ होस्टिंग लेनी है, तो मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करूंगा। एज यू नो दैट कि मैंने पहले से ही इस पे अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं साइन अप करूंगा, तो मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछता था, ये नेम पूछता था, ईमेल आईडी पूछता था और मेरा फोन नंबर पूछता था, जो कि मैंने इसमें दे दिया था उस टाइम पर जब इसने मुझसे मांगा था। और फोन नंबर देने के बाद मुझे साइन अप पे मैंने क्लिक करा था, इसने मुझे एक वेरिफिकेशन मेल दिया था और वेरिफिकेशन नेम देने के बाद इसने मुझे ऑटोमेटिकली कह दिया था कि तुम वो अकाउंट बना हुआ है तुम्हारा, अब तुम इसमें जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें अपना डोमेन को अटैच किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगाती है, इसलिए मैंने पहले से ही कनेक्ट करा हुआ है, क्योंकि मुझे आपको आज एक वेबसाइट बना के दिखानी है। अगर आप चाहते हो कि आपको ये ML वाला डोमेन नहीं चाहिए या आपको कोई परेशानी आ रही है कि ये डोमेन नहीं बुक कर पा रहे आप, तो ये सब डोमेन जैसे कि इसने दिया था मुझे जैसिका भाटिया डॉट epg.com epijyzy.com epg.com, अगर मैं ये लेना चाहता हूँ तो इस पर भी देखो काम कर सकता हूँ। अगर आपको अपना कस्टम डोमेन ऐड करना है जैसे कि मैंने किया हुआ जैसिका भाटिया डॉट ml, तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपको एक सब डोमेन बनाना है या कस्टम डोमेन बनाना है। सब डोमेन बनाना है तो आप डोमेन का नाम डाल सकते हैं और सर्च पर क्लिक कर सकते हैं। आपसे फिर कहेगा यूजर नेम, तो मैंने अपने आप साइन कर दिया है, आप इसका पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आप ऑटोमेटिकली आपको मेल आ जाएगा, भाई आपके डोमेन का नाम ये है और आपके यूजर नेम और पासवर्ड ये है। अगर मुझे कस्टम डोमेन डालना है तो मैं कस्टम डोमेन में जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ एक बात कि अगर आपको इसको कस्टम डोमेन से लेना है तो आपको सबसे पहले अपने डोमेन में जाके जो कि आपने बुक किया है freenom.com से, वहां पर जाके आपको यहाँ पर मैनेज टूल में नेम सर्वर्स में जाके यूज कस्टम नेम सर्वर में ये दोनों एंट्रियां डालनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप ये डोमेन एंट्रियां नहीं डालोगे तो ये उसमें ऐड नहीं कर सकते आप। नेम सर्वर की एंट्रियां यही रहेंगी ns1.epijy.com ns2.epijy.com। तो आप सेव करने के बाद चेंज कर दीजिएगा और थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बिकॉज डोमेन प्रोपोगेशन होने में, DNS प्रोपोगेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, अप टू 24 आवर्स लगते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट, आधे घंटा, एक घंटे के अंदर हो जाता है। अगर आप इसको यहाँ पर डालने के लिए आपको सिर्फ डोमेन का नाम डालना होगा अपना और सर्च डोमेन पर क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी करा हुआ है, आपको मुझे बता देगा कि तुम्हारा पहले से ही बना हुआ है इसके साथ। तो करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, आप कर सकते हैं। अगर आप सब डोमेन बनाना चाहते हैं, ये तो मैंने कस्टम डोमेन की बात करी थी, जैसे मैंने रख दिया अश्वनी भाटिया डॉट epijy.com, मैं सर्च डोमेन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप उससे, मैंने आपको बताया था कि इसने ऑटोमेटिकली मेरी वेबसाइट का लेवल ले लिया है, मेरा यूजर नेम असाइन कर दिया है, मुझसे कहा है पासवर्ड डाल दो,
तो मैंने इसमें जो भी पासवर्ड डालना है वो मैं डाल सकता हूँ। और अभी हम ऐसे ही कोई एक्सवाइजेड पासवर्ड बना लेते हैं जिससे कि हम इसको यूज कर पाए आगे। मैंने कहा जैसे कि मैं बॉट नहीं हूं, तो मैं इसमें आई एम नॉट अ बॉट पर क्लिक करता हूँ और मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे आपका डोमेन और होस्टिंग बन चुकी है। अब आपको इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे यहाँ पर दिखा रहा है कि ये सेटअप हो चुका है, बट एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है सेटअप होने में, जिस वजह से मैंने भी पहले से ही सेटअप करके रखा था, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैंने इस पे पहले से ही अकाउंट बना के आपको अपलोड करना सिखाना है, इसलिए मैंने पहले से ही सेटअप किया हुआ था। तो देखेंगे अगर आपका ये चल जाएगा तो आपने जो डोमेन का नाम बनाया था वो आप देखेंगे आपके होम पे जाइए। आप होम पे जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ठीक है। इसने मुझे बता भी दिया कि तुम्हारे पास फ्री होस्टिंग लिमिट खत्म हो चुकी है, अब तुम नहीं ले सकते इससे ज्यादा। ये देखिए आ गया है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये बन चुका है, बट कभी कभार ये ले जाता है आधा घंटा। मैं अगर इस पे करना चाहता हूँ तो इस पे भी कर सकता हूँ। देखिए ये भी मैंने बनाया था कल, ठीक है। वैसे देखो वो नहीं आया है क्योंकि उसमें इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है। जब ये डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट हो जाते हैं तो इस तरीके का पेज आ जाता है, जो कि हमारे में इस टाइप का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और मैंने देखो अपनी डॉटर का जो ML नाम का डोमेन लिया था वो भी यहाँ पे डाल दिया। देखो वो भी आ रहा है, ये रिफ्रेश कर देता हूँ कंट्रोल R से। देखिए ये भी इस टाइप का ही आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से डोमेन और होस्टिंग लेते हैं फ्री में और कैसे एक दूसरे को अटैच करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट को अगर हम बनाना चाहते हैं तो आप ये दूसरा वीडियो देखिए मेरा, इसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाऊंगा जिसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे वेबसाइट को अटैच करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें पूरा वेबसाइट वगैरह बता दूंगा एक ही बार में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।